Good morning, everyone. How are you all? Sanila ma'am is back today with our exercise questions of lesson 7. In lesson 7, we have completed till our objective part, right? That is your multiple choice questions. Choose the correct answer, fill in the blanks, and some steps that how to open and how to save. है ना ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक कर ली है. So now we are moving towards our question answers. That is our classwork copy work. है ना. So let's get started. Open your book, everyone. Take out page number. Sorry, 1 minute. The page number is 51. Okay, take out page number 51. See, there is a think and answer given that we have to write in your classwork copy, you know, computer classwork copy. So first of all, just look where what I am telling, you know. First look on to the screen and try to understand what I am explaining, and then start writing along with me. You know, if possible, try to write it up. You can pause the video and also then you can write slowly, right? But please write it today itself and complete your work as your exams are so near. Hai na? Yes. So the first question is, what is a cursor? What is a cursor? आपको बताना है कि cursor क्या होता है. Okay. So cursor is the blinking vertical line in the work area. Cursor is the blinking vertical line in the work area. Work area क्या है? जहाँ पे आप अपना work करते हो. आपको एक white blank space दिखता है. अगर आपका पेंट खुला है तो ओके द वाइट एरिया यू विल कॉल द कैनवास और अ ड्राइंग एरिया. ठीक है. लेकिन जब वर्ड में आपको ऐसे वाइट स्पेस जो मिल रहा होता है उसको आप क्या कहते हो? यू कॉल इट वर्क एरिया. ठीक है, जहां पे आप टाइप कर रहे होते हो. सो द कर्सर इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन. आपका जो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मीन्स एज स्टैंडिंग और हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग, राइट? वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. सो द वर्टिकल लाइन है ना, आपका एक कर्सर होता है जो कि आपका इस तरह से होता है एरो, राइट? लेकिन जब आप टाइपिंग एरिया में आते हो तो ये कर्सर कैसा हो जाता है? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, राइट? और वो क्या है, ब्लिंक करता रहता है, दिखता है फिर बुझता है, दिखता है फिर बुझता है ना. और आप जहां जहां टाइप करते हो वो आगे आगे चल रहा होता है. ठीक है, वो आपका क्या है? कर्सर है ना. सो कर्सर क्या होता है? द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द वर्क एरिया. ठीक है, आपके वर्क एरिया में जो ब्लिंक करता हुआ वर्टिकल लाइन है उसको आप कर्सर बोलते हो. इज दैट क्लियर? यस. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क, सॉरी, वर्क एरिया. व्हाट इज द वर्क एरिया? अभी आपने बात की कि वर्क एरिया में जो वर्टिकल लाइन है उसको आप कर्सर बोलते हो, लेकिन ये वर्क एरिया क्या है, कहां होता है ये वर्क एरिया? द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर वी टाइप द टेक्स्ट. अभी मैंने क्या कहा, अगर पेंट में आपका ब्लैंक स्पेस है तो आप उसको ड्रॉइंग एरिया कहते हो या कैनवास कहते हो. लेकिन अगर ये चीज आपके डॉक्यूमेंट विंडो में है, लाइक आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज हो, उसका विंडो हो, तो उस एरिया को आप वर्क एरिया कहते हो. व्हाट डू यू कॉल वर्क एरिया? ठीक है, द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर वी टाइप द टेक्स्ट, है ना. वहां उस वर्क एरिया में आप क्या करते हो? आप टेक्स्ट टाइप करते हो. ठीक है, यस. द थर्ड वन, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑफिस बटन? आपके ऑफिस बटन का क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस सच एज ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इजी. ठीक, अब आपको पूछा है कि ऑफिस बटन क्या होता है, सॉरी ऑफिस बटन का क्या यूज है. ठीक, ऑफिस बटन का क्या यूज है? उसमें ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है व्हाइल वी आर वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, व्हेन यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सच एज टाइपिंग लेटर, टाइपिंग क्वेश्चन पेपर्स और टाइपिंग एन ईमेल और व्हाटएवर, है ना. सपोज यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, यू विल नीड सम ऑप्शंस सच एज ओपन. ठीक है, अगर सेव किए हुए फाइल को या डॉक्यूमेंट को वापस से ओपन करना है तो यू विल नीड दिस ऑप्शन. व्हाट इज इट? ओपन. ऑल्सो सेव. When you use save, after completing your work, you use save option to save your document. Then save as. आपको अगर आपने save किए file का name change करना है तो you use save as, है ना? Then print. आपको अगर उसका printout निकालना है आपके letter का या आपके type के जो भी word होगा उसका printout निकालना है तो you use print option, है ना? And etc. etc. यानी कि और भी कई सारे options होते हैं. ठीक? So
use office button for such options which is used while working with Microsoft Word. Is that clear, everyone? Yes. So now we'll move on to the next question. Okay. Yes, students, now look here. I have written two more questions. The fourth one is, what is the role of status bar? Aapke status bar ka kya role hai? It displays. Role means ki aapki duty kya hai? Aap kya perform karte ho? Hai na? To status bar kya perform karta hai? It displays information about the cursor position. It shows the page number, column number and line number. ठीक? क्या होता है जब आप अपनी कॉपी में वर्क लिख रहे होते हो तो आप देखते हो जहाँ डेट लिखने का ऑप्शन है वहाँ पे डेट लिखने के लिए ब्लैंक जगह दी हुई है, पेज नंबर लिखने के लिए जगह दी हुई है. सिमिलरली इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो यू कैन सी ऑन द बॉटम ऑफ द बुक यू कैन सी द पेज नंबर्स गिवन, राइट. सिमिलरली आपके कंप्यूटर के पेजेस में भी ऐसे ही होता है, दैट इज वर्ड में जब आप लिख रहे होते हो, टाइप कर रहे होते हो, तो आप देखना आपके जितने भी जगहों पे कर्सर का पोजीशन है, कर्सर उधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, सारे पोजीशंस आपको स्टेटस बार पे दिखाई देता है. ठीक. ऑल्सो इट शोज द पेज नंबर, कॉलम नंबर एंड लाइन नंबर. वो आपका पेज नंबर, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, ये सब शो करता है. ठीक है. यस. नाउ फिफ्थ, हाउ डू यू क्लोज अ फाइल इन एमएस वर्ड 2007. आप कोई भी आपको क्लोज करते हो, सारे ऐप्स क्लोज करने के स्टेप्स होते हैं, वैसे ही एमएस वर्ड 2007 जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा, आपके विंडो जो ओपन होंगे आपके सिस्टम पे, आप उसको कैसे क्लोज करोगे पूछा है. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2007, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार. आपका जो टाइटल बार रहता है, दैट इज सबसे ऊपर वाला लाइन, उसके सबसे लास्ट में तीन बॉक्सेस बने रहते हैं स्क्वायर छोटे छोटे, जिसमें से फर्स्ट में एक माइनस बना रहता है, सेकंड में एक स्क्वायर बना रहता है एंड लास्ट वाले में आपका क्रॉस बना रहता है. सी हियर लुक लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस, फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स, ये एक रहता है माइनस, एक रहता है स्क्वायर में कुछ ऐसा, है ना, और एक रहता है ऐसा क्रॉस. ठीक. तो इसमें से लास्ट बटन ये वाला क्रॉस जो है, इस पर आप जब कर्सर रखते हो तो ये रेड हो जाता है और देखना यहाँ नीचे लिख के आता है क्लोज, राइट. सो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्लोज हो जाएगा. ठीक है. यस. सो दिस वर द फाइव क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 7 आई हैव कंप्लीटेड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज वॉच द वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स, है ना, एंड देन कंप्लीट योर क्लास वर्क कॉपी टूडे. ओके बेटा, आपके एग्जाम्स बहुत पास है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, तुरंत तुरंत मैम जो लिखवा रही है कंप्लीट करते चलना. ओके. नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर रिविजन्स ऑल्सो. ओके. सो टिल दैट कीप लर्निंग एंड कंप्लीट योर कॉपी. गुड डे एवरीवन.